हेलो गाइस, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तो आज मैं बहुत ही टाइम बाद एक रिव्यू करने वाला हूँ स्मार्टफोन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही सुपर स्मार्टफोन स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है जो कि अभी आपको परचेस करना चाहिए, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट में स्मार्टवॉच लॉन्च हो रहा है और काफी फ्लैगशिप फीचर्स दिए गए हैं इसमें। तो आज आपको मैं इसका डिटेल रिव्यू देता हूँ। तो ये फोन आने वाला है पोको की तरफ से, पोको X4 Pro 5G। तो इसके अंदर आपको 5G मिल जाएगा, यानी कि फ्यूचर अपग्रेड्स काफी हद तक दिए गए हैं। अभी मैं आपको इसके डिटेल फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि आप इसका लुक देख सकते हो, ब्लैक, येलो और ब्लू कलर में ये अवेलेबल रहने वाला है। इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 19,000 से ये 22,000 तक वेरी करने वाला है। इसमें लिखा है 18,000, लेकिन ये अगर आपके पास बैंक ऑफर है तो ही अप्लाई करेगा, नहीं तो ये आपको मिलने वाला है 18,000। और 18,000 में आपको मिलेगा 6 GB 64 GB वाला वेरिएंट। फिर जो वेरिएंट है 8 GB 64 GB वाला, वो मिलेगा आपको 20,000। फिर 6 GB 128 GB, नहीं 8 GB 128 GB 22,000 का मिलेगा आपको। तो काफी हद तक ये अच्छा फोन है, आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं ऐसे। तो ये रीडिफाइनिंग योर एंटरटेनमेंट नीड्स, यानी कि इसके अंदर आपको मिल जाएगा 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले। तो इस बजट रेंज में एक सबसे बड़ी खास बात, ये फोन के अंदर आपको मिल जाएगा काफी शार्प क्रिस्प डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये DCI-P3 सपोर्ट करने वाला डिस्प्ले। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रेशियोज, कलर्स और स्क्रीन टू स्क्रीन साइज मिल जाएगा। आपको बेजल लेस डिजाइन है इसके अंदर, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप 50-60 हज़ार का फोन यूज कर रहे हो। तो ये इस बार फोन की खासियत है। इसके अंदर आपको 1200 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी, यानी कि आपको आउटडोर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाला, तो काफी अच्छी बात है। 700 nits आउटडोर में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। अगर 1000 ऑफ निट्स है पिक ब्राइटनेस तो आपका फोन आउटडोर में आपको कंप्लीटली विजिबल रहने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स्ट्रा स्मूथ कॉर्टेसी 120 Hz रिफ्रेश रेट। इसके अंदर आपको 300 Hz का सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा और 120 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो आपको इसके अंदर गेमिंग में भी ये फोन बेस्ट है, तो आपको ये गेम के टाइम पे भी काफी ज्यादा अच्छा फील आएगा। 360 Hz का टच सैम्पलिंग रेट है इसके अंदर, मैंने गलती से 300 Hz बोल दिया था, तो 360 Hz से आप देख सकते हो। इंजॉय सीमलेस फीडबैक विथ 360 Hz टच सैम्पलिंग रेट। और ये एक पोका का फोन है, तो इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाएगा जो कि गेम टर्बो का। और गेम टर्बो अगर आपको नहीं पता तो ये रेडमी और पोको के फोन में आता है। तो इससे आप गेम खेलते समय वॉइस चेंजर, बाकी ऐसे शॉर्ट्स में ऐप यूज कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको ऐप खोल के देखना है, तो एक मिनी स्क्रीन में ऐप विजिबल हो जाता है, जो ये खाली रेडमी और पोको के फोन में अवेलेबल फीचर है, बाकी किसी भी फोन में नहीं आता है। चाहे आप 1 लाख का ले लो या फिर 2 लाख का ले लो, ये फोन खाली ये फीचर जो है वो खाली रेडमी और पोको के फोन में आता है। तो इसके अंदर आपको देख सकते हो 360 Hz का टच सैम्पलिंग रेट, मैक्स विजुअल कंफर्ट विद एडेप्टिव ब्राइट। इसके अंदर आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगा, तो आपको रात के टाइम पे या फिर आपको दर्द होगा ऐसा डिस्प्ले नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। रीडिंग मोड 3.0, तो इसके अंदर आपको रीडिंग मोड मिल जाएगा। और 3.0 है तो आपको येलो लाइट जो होता है रीडिंग मोड में वो काफी स्मूथ क्रिस्प मिल जाएगा, तो आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा रीडिंग करते वक्त। और सनलाइट डिस्प्ले, जैसे कि मैंने आपको बताया 1200 nits का पीक ब्राइटनेस है, तो आपको सनलाइट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 5G आई केयर सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो आई केयर का सर्टिफिकेशन, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मैंने आपको बताया, अडेप्टिव ब्राइटनेस रहने वाला है, आपको कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। सुपर कैपेसिटी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यानी कि आपके बजट इससे ज्यादा ये परफॉर्मेंस आपको देने वाला है, तो बहुत अच्छा फीचर्स है इसके अंदर। इसके अंदर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, जो कि 6 nm का प्रोसेसर है, A78 प्रीमियम परफॉर्मेंस कोर और LPDDR4X और UFS 2.2 सपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपको LPDDR4X 8 GB तक रैम सपोर्ट मिल जाएगा और 128 GB तक रोम मिल जाएगा, यानी कि आपका स्टोरेज जो कि UFS 2.2 सपोर्ट करता है, यानी कि आपका स्टोरेज लैग नहीं करेगा आपको डाटा ट्रांसफर ये सब करने में। आपका प्रोसेसर आपको दिक्कत नहीं देने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
और ये काफी अच्छा फीचर दिया गया है इस फोन में, तो कीप योर डिवाइस कूल थ्रू आउट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी 1.0 प्लस। तो इसके अंदर आपको 1.0 कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तो आपको फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होगा गेमिंग करते वक्त। और इसकी बैटरी लाइफ आपको 67 वॉट का, इसके साथ आपको सोनिक चार्जिंग मिल जाएगा, तो आपके बॉक्स में 67 वॉट का रैपिड फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो इससे प्रूव हो जाता है कि बजट सेगमेंट में इस फोन के बॉक्स में आपको मिलने वाला है चार्जर, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल कंपनी एनवायरनमेंट को मध्य रखते हुए चार्जर्स निकाल रही है बॉक्स में से इको फ्रेंडली बनाने के लिए। तो यही है बात, इसलिए और कुछ नहीं। तो इसका आपको 67 वॉट वो 8 मिनट में 30% चार्ज होगा, 22 मिनट्स में 70%, और 31 मिनट्स में 90%, और 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 100% चार्ज हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी 5000 mAh वीकेंड बैटरी फॉर ऑल योर नीड्स, यानी कि इसकी बैटरी लाइफ आपको 1-1.5 डेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप गेमिंग करने वाले हो तो आपका ये फोन मोर देन 6 to 7 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप दे देगा, जो कि बहुत बेटर फीचर्स दिए गए इसके अंदर, और कूल रहेगा आपका फोन, हीट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्स्यूज कैरेक्टर एंड स्टाइल फ्रॉम एवरी एंगल, एक्सिक्यूट लुक 3 अमेजिंग कलर, लेजर ब्लैक, लेजर ब्लू एंड द ओजी पोको येल्लो। तो मैंने आपको बताया येल्लो ब्लैक और ब्लू कलर वेरियंट्स में ये फोन आने वाला है। इसका कैमरा जो कि अभी स्पेशल है, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा ब्रिंग्स द ट्रू प्रो टू द टेबल। इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप किया गया है, तो 64 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको कैमरा मिल जाएगा। ये ऐसे कुछ इसके लुक्स रहने वाले हैं। एक बॉक्सी टाइप लुक दिया गया है फोन को, और 1 मिनट गाइस मैं ऊपर चले गया था थोड़ा गलती से। तो हाँ, तो ये है अपना 64 मेगापिक्सल का प्रो कैमरा, और टॉप नॉच एक्सपीरियंस इन एवरी डे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएगा, यानी कि ऊपर के एकदम ऊपर साइड पे बॉक्सी साइड शेप दिया गया है फोन को, तो दो स्पीकर्स मिल जाएंगे स्टीरियो। ऐसा फोन का ग्रिल में ऐसा कहीं पे भी घुसाया नहीं है, एकदम सेपरेट सेपरेट टू स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए, जो कि आपको बहुत ज्यादा क्रिस्प और लाउड साउंड प्रोड्यूस करने वाले। द अल्टीमेट फीडबैक एक्सपीरियंस जेड एक्सिस लीनियर मोटर्स, तो मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा क्रिस्प बास सब मिल जाएगा आपको स्पीकर के से। और ये फोन मेड फॉर मैट्स, यानी कि आपको मैंने बताया जो लोग को एकदम बजट रेंज में बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फोन चाहिए, तो यही है वो फोन। अगर आपको पसंद आता है तो अब मोस्ट कंसिडरेबल फोन है ये। इस बजट रेंज में अब तक के लिए कोई फोन लॉन्च नहीं हुआ है इस रेंज में, 20,000 के रेंज में, 22,000 अप्रोक्स। तो बहुत ज्यादा फीचर दिए गए हैं इसमें, आप देख सकते हो मैं स्क्रोल करते जा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर, आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने नहीं वाली है। तो कुछ इतने फीचर्स दिए गए हैं अपने पोको X4 Pro 5G 1X4 All में। तो ये फोन 5 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, तो कमिंग ट्यूजडे को ये लॉन्च होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जो इसका लॉन्च प्राइस ये लोग ने रखा है 18,000, लेकिन अगर आपके पास बैंक कार्ड है तो ये आपको ये फोन 18,000 में मिलेगा। वैसे तो आप बैंक कार्ड चुका जुगाड़ कर लेने का, दोस्त से ले लेने का कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, 1,000 रुपया बच रहा है भाई, कौन छोड़ेगा। चलो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही था वीडियो में, हम अगले वीडियो ट्राई करेंगे लाने के लिए जल्द ही। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू सून। तो सी यू सून, बाय गाइस।